एक छोटा सा तालाब था जहाँ कई मेंढकों की बस्तियाँ बसी हुई थीं। तालाब के बीच में एक खम्भा था और उस पर काई जमी होने की वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन थी। एक दिन उस तालाब में एक असंभव सी प्रतियोगिता हुई, जो उस खम्भे पर ऊपर चढ़ जाएगा वही हमारी बस्ती का सरदार होगा और वही उस पूरे तालाब का राजा भी होगा। ये एक असंभव सा कार्य था, लेकिन फिर भी कुछ जवान और ताकतवर मेंढकों ने अपना नाम लिखवा दिया। वो दिन भी आ गया जब चारों ओर खचाखच देखने वाले मेंढकों की भीड़ जमा हो गई। शुरू शुरू में जोश था, लेकिन कई मेंढकों के फिसल जाने के बाद लोगों में ये बात गूंजने लगी कि ये असंभव है। जो मेंढक काफ़ी ऊपर तक भी पहुंच गए थे वो भी ये सुनकर संदेह में आ गए और अंत में कोई भी ऊपर तक नहीं पहुँच पाया। तभी भीड़ में से एक दुबला पतला मेंढक आकर प्रयास करने लगा तो लोग हंसने लगे। वो धीरे धीरे चढ़ने लगा और कई बार फिसला, लेकिन रुका नहीं। जब बड़े बड़े ताकतवर इस दीवार पर नहीं चढ़ पाए तो ये पिद्दी क्या चढ़ेगा, अरे ये तो नशा करके आया है, ऐसी बातों से मनोबल तोड़ने लगे। चारों ओर अचानक से चुप्पी छा गई। सभी मेंढकों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो दुबला पतला कमजोर छोटा मेंढक उस खंभे पर ऊपर जा बैठा, ये कैसे हुआ? सबके मुंह पर यही सवाल था। तभी भीड़ में से एक आवाज आई जो उस मेंढक को बड़े करीब से जानता था, अरे ये मेंढक तो बहरा है। लाइफ में ऐसे कठिन से दिखने वाले काम होते हैं जिन्हें करने की काबिलियत तो हम में होती है, लेकिन आसपास के लोगों की नकारात्मक बातें सुनकर हम अपना मनोबल तोड़ देते हैं और बिना प्रयास किए हार कर बैठ जाते हैं। हमें अपने कान बंद कर लेने चाहिए और भूखे शेर की तरह अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने शिकार, अपने लक्ष्य पर टूट पड़ना चाहिए और सफलता आपके पंजे में होगी और लोगों की आंखें फटी हुई।